एक लड़की के साथ कुछ गलत होता है, कोई टीचर करता है, वो पुलिस के पास जाती है जस्टिस लेने, पुलिस वाला उसका फ़ायदा उठा लेता है, वो रोते हुए जाती है सरकार से मदद मांगती है, नेता उसके साथ गलत कर देता है, फिर सोसाइटी कहती है इसके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है, इसका फिंगर टेस्ट किया जाए, वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसके साथ गलत कर देता है और एट द एंड वो सुसाइड कर लेती है। फिर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे दो कस्बे डिवाइड हो जाते हैं, एक कहता है कि वो लड़की गलत थी, ऐसी थी, फलाना ढिमकाना, और एक कहता है कि नहीं 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 ये लड़की सही थी, सरकार गिरा दो, देश में दंगे करा दो। मतलब उस लड़की की ओवरऑल देखा जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता, उसको जस्टिस मिला या नहीं मिला, वो सब एक मुद्दा बन के रह जाता है। अगर आप सबको याद हो, निर्भया केस 2012 के आसपास ये केस हुआ था। We had no clue about the anger that was, you know, going to spill out onto the streets in Delhi. मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और अभी एज लगभग 17 साल के आसपास थी मेरी। मैंने जिंदगी में पहली बार एक केस सुना था, उससे पहले मैं बहुत ही पैम्पर्ड बेबी रहा, मुझे नहीं पता था क्या है, मुझे बहुत ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुई। इवन ये जो शब्द भी होता है ये मैंने मूवीज़ के माध्यम से सुना, कभी पेरेंट्स या फैमिली में आसपास चर्चा होते नहीं सुना था। जब पहली बार निर्भया केस हुआ मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में बैठा था, आपस में सब लोग बात करने लगे तो इस केस का चर्चा होने लगा, फिर लोग बातें बताने लगे कि इस तरीके से इतने वैसी तरीके से मारा है, और कई लड़के बैठे थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई ऐसे कैसे करता है। उसमें से मैं भी था जिसको डाइजेशन ही हो रहा था कि ये क्या हुआ। आज 2024 है, कॉलेज का वो 17 साल का दीप अब बहुत बड़ा हो चुका है, जॉब करता है, फैमिली संभाल रहा है, परिवार है उसका। अब मैं कलकत्ता का जब एक केस सुनता हूँ कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है उसके साथ इस लेवल का शोषण किया गया है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 2017 वाले दीप की तरह रिएक्ट नहीं कर पाता। पता है क्यों? इन 12 साल में ना ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने इस तरीके के यौन शोषण के केस नहीं सुने। 2022 का NCERB का डाटा है वो ये बताता है कि 90 केस पर डे आते हैं, अभी थोड़ा कम कर लो, अब लोग ज़्यादा समझदार हो गए ना दो साल में, तो 24 में 80 कर लेते हैं। पर सुधार इसको कहेंगे क्या? एडवांसमेंट। एक समय था जब लड़कियों को बोला जाता था कि ये सबसे सेफ प्रोफेशन है फॉर गर्ल, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। कलकत्ता के हॉस्पिटल में जो केस आया है वो बताया गया है कि नाइट शिफ्ट फीमेल डॉक्टर का लगाया हुआ था। सोचो, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो कहाँ सोएगी, कैसे करेगी, हॉल में ही रेस्ट ले रहे हैं। एक संजय रॉय करके आदमी है जो बताया जाता है कि वो सिविक सर्विस करता है, एक तरीके से सिविल डिफेंस वाला आदमी है जो पुलिस के साथ मिल के वॉलंटरी बेसिस पे हेल्प करता है उनको, उसकी 12-16 हज़ार कुछ सैलरी बताई जा रही है, और उसने अभी हॉस्पिटल में भी उसकी सर्विस लगी हुई है तो वो आ जा सकता है, फ़ायदा उठाता है। और महिला का जो केस बताया गया है उसकी आंखों से, नाक से, मुंह से, शरीर के अन्य अंगों से ना रक्त की धाराएं बह रही हैं। घर वालों को फोन जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम चार जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा, एक
पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपनी बिलक अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। और जो संजय रॉय का जब थोड़ा रिसर्च करते हैं कैसा आदमी है, तो आप मानोगे नहीं, 4 बीबियां थी, 3 छोड़ चुकी है, 4थी ऑलमोस्ट पागल जैसी हो रखी है। मतलब अपनी पत्नियों के साथ उसके यौन शोषण के बहुत सारे केसेस हैं, पर ऐसा आदमी पुलिस को सर्व कर रहा है वॉलेंटरली। क्या रिकॉर्ड चेक किया था उसका? उसका फ़ोन चेक किया गया तो पोर्नोग्राफी से भरा पड़ा था। उसको कोई शर्म नहीं है, एक मर्डर करके वो अपने घर पर रिलैक्स होकर सो रहा है। किस लेवल का साइको है? और ऐसे साइको को सोसाइटी को सर्व करने की जॉब मिली है। अगर अपना केस मैं बताऊं, 2012 से 2024 का जो सफ़र रहा है, मैंने एक चीज़ देखी कि सोसाइटी फेल्ड रही। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि सोसाइटी खुद ऐसी हो गई है। कैसे? एक केस आता है, कलकत्ता में एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ। फिर कुछ ट्विटर पे बैठे हुए लोग वो कहेंगे, अच्छा कलकत्ता में हुआ है तो ये लिखो कि बहुत बुरा हुआ, अगर यूपी में होता तो हम टारगेट कर पाते अपनी ओपोजिशन पार्टी को, तो हम इसको इतना अच्छा मुद्दा नहीं बना सकते। तो जो रेप है वो मुद्दा बन जाता है। विक्टिम मैटर नहीं करता, किस जगह हुआ है, किस जात की है, किस धर्म की है, उस हिसाब से हम जस्टिस पे बात करेंगे। और अगर जस्टिस दिला भी देते हैं तो वो जस्टिस थोड़ी है, वो तो आपने प्रोपेगेंडा के अंदर आ गई इसलिए उसको जस्टिस मिल गया। वरना हर दिन 80 के आसपास महिलाओं के साथ ऐसा होता है, कितनों के जस्टिस की हम बात भी कर रहे हैं? सोसाइटी यही फेल हो जाती है। जितने भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट एक्टर हैं उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सोनम कपूर हो या कोई भी हो, अगर देश में हो रहा है, देश में किस धर्म की है लड़की तो आवाज़ उठाएंगे, अदरवाइज डजंट मैटर। उनको रफा की चिंता है बांग्लादेश की नहीं। तो ह्यूमैनिटी भी डिवाइड अपने आप हो चुकी है, किसके लिए रोना है किसके लिए नहीं। तो जो इकोसिस्टम हमने जो डेवलप किया है वो क्या हो चुका है आपको बताने की ज़रूरत नहीं। और आप ऐसी इकोसिस्टम में अगर सोच रहे हो आप सेफ हो, आपको जस्टिस मिलेगा, तो आप पहले अपने कार्ड पे देखिए आपका धर्म कौन सा, आपकी जाति कौन सी है, आपका स्टेट कौन सा है, उस हिसाब से आपके ऊपर चर्चाएँ होंगी। मुझे आज भी याद है, मैं 2nd क्लास में था तो मुझे एक ड्रामा करने का मौका मिला, राजा हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र जी का बेटे का रोल किया था मैंने, जिसको सांप काट लेता है। तो मैडम हमारी बताती थी, राजा हरिश्चंद्र मॉरल वैल्यूज़ धर्मा के बहुत लेजेंड व्यक्ति थे, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। इस लेवल का वो व्यक्ति धर्मा प्रैक्टिस कर रहा है, राजा से एक चंडाल के नीचे काम करने के दिन तक देखे हैं उसने, और वापस राजा बना भी है। पर इन सब अप एंड डाउन में उस व्यक्ति ने कभी अपनी मोरालिटी, अपने एथिक्स, अपना धर्मा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पर आज के दौर में अगर मैं राजा हरिश्चंद्र की बात करूँ तो आप कहोगे क्या पका रहा है। यही से सोसाइटी ओवरऑल डिक्लाइन करती है, सोसाइटी का मॉरल दिखा जाता है कि कैसा है। और जब इन सब चीज़ों से वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो वो खुद भी कोई सभ्य इंसान नहीं रहता। तो वो करेगा क्या? वो कहेगा कि यार अच्छा लग रहा है, इसको बिकनी में डांस कराते हैं लड़कियों को, थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा बहुत तो गाली चलता है ना, अब एक दो सेक्स सीन डाल देना बॉलीवुड में, थोड़ा सा मज़ा आएगा, लोगों को टिकट ज़्यादा बिकेगी। अरे यार जोक्स में 4-5 गाली गलौज तो चलता है, थोड़ा बहुत तो वल्गर होना चलता है, इतना तो चलता है। हमने एक सोसाइटी बनाई है दोस्तों जिसमें आप बहुत कुछ चल रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? धर्मा के कई लेवल्स होते हैं, जो हरिश्चंद्र महाराज, युधिष्ठिर महाराज प्रैक्टिस करते थे, भगवान से एक इंसान का धर्मा, अपने देश के प्रति, अपने राजा के प्रति धर्मा, अपने परिवार, अपने सोसाइटी के प्रति धर्मा,
खुद के प्रति धर्मा, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने जमीन के, अपने अपने इन्वायरमेंट के प्रति धर्मा, कि भाई मुझे परिवार के प्रति इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, एक स्टैंडर्ड है मुझे वैसे चलना है, देशभक्ति का एक स्टैंडर्ड है मुझे वैसे चलना है, मुझे अपने भगवान के प्रति अपने भक्ति का एक स्टैंडर्ड है मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। हमने ये सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, बोरिंग लग रहा था। और जब जब धर्मा से कॉम्प्रोमाइज होता है ना, तब तब अधर्मा आता है, और अधर्मा जो हो रहा है ना सोसाइटी में, इसी को कहते हैं। अगर आप वापस धर्मा इटैब्लिश करना चाहते हो ना दोस्त, तो मैं जहाँ पे बैठ के ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ ना, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने लाइफ को, अपने सोसाइटी को खुद से ही बेटर करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे फिर से शुरू हो जाते हो सरकार पुलिस वुलिस, हाँ ऑफकोर्स इन लोगों का काम है, बट इन्हीं का काम नहीं है। सोसाइटी सबसे बनती है, तो सुधरना भी सबको है। आज हम इस लेवल तक आ गए हैं कि 80 रेप पर डे हो रहे हैं, सेंचुरीज लगी इतना गंदा होने में, तो सेंचुरीज लगेगी भी इतना वापस सुधरने में। अगर आप रेडी हो, आप चाहते हो आपकी थर्ड जनरेशन वापस एक प्योर लाइफ जिए, तो जो फर्स्ट जनरेशन है यानी मैं, आप जो देख रहे हैं, इनको भी राजा हरिश्चंद्र के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी प्रार्थना करूंगा भगवान से कि न्याय मिले और भगवान की आत्मा को शांति दे।